गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आई एम ए कंप्यूटर टीचर सुनजीत सर। होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सेकेंड चैप्टर स्प्रेडशीट फंक्शन एंड चार्ट्स। ओके, चैप्टर नंबर 2 स्प्रेडशीट फंक्शन एंड चार्ट्स। इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, लास्ट पार्ट चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इन माई प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स, एलिमेंट्स ऑफ फार्मूला, सेल रेफरेंस, रेंज ऑपरेटर्स, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स, ऑटोसम फीचर्स, फंक्शन, राइटिंग ए फार्मूला, एरर रिजल्ट, बेसिक ऑपरेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, इफ यू वॉन्ट टू लर्न दिस टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक्स, यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। हियर यू कैन सी द चार्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चार्ट्स अलाउस प्रेजेंटेशन of data contained in a worksheet in graphical format. That means when we create a table or we create a database, it can be present in graphical format. Okay, graphical format. Visual presentation of data is more effective medium of communication. It makes easier for user to quickly understand the comprehension patterns relationship among large amount of data. That means यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हम लोग टेबल वहाँ पे क्रिएट करते हैं, जो डेटाबेस हम लोग वहाँ पे क्रिएट करते हैं, वो क्या होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है कि जो यूज़र है, जिसको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसको जो प्रेजेंटेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो यूज़र के लिए आसानी होगा समझने में। वो जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसको देख के ही समझ में आ सकता है कि मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो पैटर्न क्या है, वो रिलेशनशिप क्या है। ओके, बाय यूजिंग द चार्ट्स। नाउ कम्स टू द एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स। ए चार्ट कॉन्टेंट सेवरल एलिमेंट्स इलस्ट्रेटेड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स। द एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड हेयर। हेयर यू कैन सी द इमेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ दिस पिक्चर। ओके, एक्स एक्सिस टाइटल, वाई एक्सिस टाइटल, एक एक्सिस चार्ट टाइटल, ग्रिड लाइंस, जेड डेटा लेवल, लीजेंड, प्लॉट एरिया, चार्ट एरिया, डेटा टेबल, एक्स एक्सिस टाइटल। ओके, सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट। नाउ कम्स टू नो व्हाट आर द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस एलिमेंट्स। ओके, फर्स्ट थिंग इज चार्ट टाइटल, the title of the chart. Chart title means title. Okay, title, the title of the chart. It helps the understanding what the chart represent. Okay, that means ये जो title है वो name है एक। ओके, उससे हम लोग समझ में आ जाएगा कि what kind of presentation is this. Okay, what kind of chart is this. And next thing is axis x and axis y. डेटा बींग रिप्रेजेंटेड ऑन हॉराइजोंटल एक्स एक्सिस। दैट मीन्स जो एक्स एक्सिस में होगा वो हॉराइजोंटली डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, एंड वर्टिकली क्या होगा, वर्टिकली वाई एक्सिस होगा। ओके, जो डेटा है जो हम लोग वहाँ पे चार्ट्स में दिखाएंगे, वो जो है वो हॉराइजोंटल अगर हुआ तो एक्स एक्सिस में होगा, हॉराइजोंटल दिखाना है एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल होता है वाई एक्सिस। नेक्स्ट कम्स टू एक्स एक्सिस टाइटल। Title means title of the horizontal axis and x axis, and title of the vertical y axis. Okay, title hai same as chart title. Okay, next is legend. Identify the data series that is represented. A chart may represent more than one type of data series. Each data series is displayed in the different colors of patterns. That means hum logon ne to ek chart mein bahut sara data dikhaya hai. ओके, अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, कोई हो गया ब्लू कलर में, कोई हो गया ग्रीन कलर में, कोई हो गया येलो कलर में, वो क्या होगा, वो लीजेंड में दिखाया जाएगा। ओके, तो हम लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा डेटा किस चीज़ को दिखा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट कम्स टू द ग्रिड लाइंस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस फॉर्मेटिंग ए फॉर्मिंग ए ग्रिड इन ए प्लॉट एरिया। आइडेंटिफाइंग द डेटा पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल इन द चार्ट बिकेम्स इजियर टू ग्रिड लाइन।
दैट मीन्स ग्रिड लाइन हम लोगों को क्या किस चीज़ में आसानी देता है कि एक जो पॉइंट है डेटा पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पे दिख रहा है कि 10, 20, 30, 40, 50 ओके, तो हम लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कौन से पॉइंट में वो जाके ख़त्म हो रहा है कि कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग ग्रिड लाइन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ डेटा लेवल। डेटा लेवल वैल्यू ऑफ दी डेटा ऑफ ईच प्लॉटेड पॉइंट, दैट मीन्स डेटा लेवल जो होता है फर्स्ट पॉइंट में कितना हुआ, सेकंड पॉइंट में कितना हुआ, कितना तक जाएगा, ओके, ईच एंड एवरी कॉलम, ईच एंड एवरी कॉलम इंक्रीजिंग द डेटा, ओके, इंक्रीजिंग द डेटा, सो दिस इज द डेटा लेवल। नेक्स्ट इज डेटा टेबल, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ईच प्लॉटेड पॉइंट, यूजुअली डिस्प्ले बिलो इन द एरिया, प्लॉटेड एरिया, जो कि नीचे दिखा रहा है, नीचे दिखाता है कि जो डेटा टेबल है वो डिस्प्ले वैल्यू, जो वैल्यू है टेबल का वो नीचे प्लॉटेड है उस पॉइंट में वो दिखा रहा है, ओके। नेक्स्ट इज प्लॉटेड एरिया, एरिया कॉन्टेंट इन द चार्ट, ग्रिड लाइंस, एरिया एक्सिस, जहाँ पे जो चार्ट है वो दिखाया जाएगा उसको हम लोग प्लॉटेड एरिया बोलते हैं, ओके। जो चार्ट वहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो पिक्चर ग्राफिकली रिप्रेजेंट जो पिक्चर है उसको हम लोग बोलेंगे कि प्लॉट एरिया, जहाँ पे वो प्लॉट हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज चार्ट एरिया, एंटायर एरिया कॉन्टेनिंग द चार्ट, प्लॉट एरिया, लीजेंड, टाइटल, डेटा टेबल, दैट मीन्स जो पूरा जो चार्ट है उसको हम लोग चार्ट एरिया बोलेंगे, पूरा, ओके। नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ चार्ट, एक्सेल सपोर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स, सम ऑफ कॉमनली यूज्ड चार्ट्स आर एज फॉलोस, ओके, हियर यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, टोटल नंबर ऑफ चार्ट इज 7, नंबर 1 इज बार चार्ट, नंबर 2 लाइन चार्ट, नंबर 3 एरिया चार्ट, पाई चार्ट, डॉगन चार्ट, कॉलम चार्ट एंड एक्स वाई स्कैटर चार्ट, ओके, दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ चार्ट्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, ओके। सो नेक्स्ट फर्स्ट इज बार चार्ट, व्हेन टू यूज इट इज़ टू शो द कंपैरिजन अमंग द डिफरेंट वैल्यू एज हॉरिजॉन्टल बार, दैट मीन्स हम लोग इसको यूज़ करेंगे जब कोई भी कंपैरिजन दिखाना है, ओके, जो डिफरेंस दिखाना है तब कोई भी वैल्यू का, कोई भी डेटा वैल्यू का, डिफरेंस वैल्यू का एज ए हॉरिजॉन्टल, तो फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। वैल्यूज रिप्रेजेंट इन एक्स एक्सिस एंड कैटेगरीज इन वाई एक्सिस, दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस में और कैटेगरी जो होगा वो नीचे दिखाया जाएगा, दैट मीन कैटेगरीज में इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, बेंगोली, मैथ, साइंस, ओके, सो वो ये जो है नीचे दिखाई देगा और जो वैल्यूज़ है वो 10, 20, 15 वो एक्स एक्सिस में दिखाई देगा, दैट मीन्स नंबर। नेक्स्ट इज फीचर्स, ईच वैल्यू रिप्रेजेंट ए हॉरिजॉन्टल बार, ऑप्शन 2D, 3D, सिलेंडर, दिस आर द टाइप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ बार्स, ओके। नेक्स्ट इज कॉलम चार्ट, टू शो द कॉम्प्रेंशन एमंग द वैल्यू डिफरेंस एट वर्टिकल कॉलम, दैट मीन कॉलम चार्ट मीन्स बार चार्ट में क्या होता था कि हॉरिजॉन्टल दिखाया जाता था, कॉलम चार्ट में वर्टिकली दिखाया जाएगा, ओके, सेम प्रोसेस है, सेम थिंग है, खाली ये जो है वर्टिकल है और जो बार चार्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। इसमें क्या होगा, थोड़ा पलट जाएगा कि जो पहले जो इंग्लिश, हिंदी, बंगाली जो हम लोग वाई एक्सिस में दिखा रहे थे बार चार्ट में, ये अब हो जाएगा एक्स एक्सिस में, ओके, थोड़ा चेंज होगा, इंटरचेंज हो गया। वैल्यूज रिप्रेजेंट इन वाई एक्सिस एंड कैटेगरी इन एक्स एक्सिस, एंड फीचर्स आर सेम सिमिलर टू द बार चार्ट, ईच वैल्यू रिप्रेजेंट एज वर्टिकल कॉलम, 2D, 3D, सिलेंडर, पिरामिड, एक्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट इज लाइन चार्ट, टू ऑब्जर्व ट्रेंड इन ए डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स जैसे कि हम लोगों का वेदर, हर दिन का वेदर दिन ब दिन बढ़ रहा है, डे टू डे इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोग उसको भी, उस पैटर्न को भी चेक कर सकते हैं लाइन चार्ट्स के जरिए। ए लाइन फॉर ईच डेटा आइटम, मल्टीपल लाइन्स ऑफ फॉर मल्टीप्लिंग डेटा आइटम, दैट मीन्स हम लोगों क्या करेंगे, अप्रैल का मंथ का डेटा लिया, मई का मंथ का डेटा लिया, जून का मंथ का डेटा लिया, तो क्या होगा, जो दिखेगा कि डेटा इंक्रीज़ हो रहा है वो लाइन चार्ट के अंदर हम लोग समझ में पाएंगे। ए लाइन्स पासिंग थ्रू द वैल्यूज ऑफ ईच डेटा आइटम, ए लाइन शो चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन डेटा आइटम, ओके, आई कैन शो यू हेयर, यू कैन शो दिस लाइन नंबर, थर्ड नंबर ऑफ पिक्चर दिस लाइन, लाइन चार्ट, ओके। फर्स्ट इज बार चार्ट, सेकेंड इज कॉलम चार्ट एंड थर्ड इज लाइन चार्ट। नेक्स्ट कम्स टू द पाई चार्ट,
pie chart to compare parts to whole helps divide a group into a components. That means जो एक circle होगा, circle को हम लोग divide करेंगे, कौन सा part कहाँ पर जाएगा वो easy होता है वो समझने के लिए. okay. Used to plot only one data series. Shape of a circle divided into triangle section. Here you can see the image. Here you can see the image, pie chart image. okay. This is the image of pie chart. okay. This is column chart. This is bar chart and this is line chart. Now comes to area chart. Area chart is similar to line chart. okay. Area chart is similar to line chart. To show how much different data series contribute to the whole. That means पूरा जो data है उसको दिखाया जाता है यहाँ पे. Used to plot more than one data series and features are similar to line charts but display different colors in the area below the line. okay. That means पहले लाइन चार्ट में क्या होता है, टू डिफरेंस कलर्स टू ईच ऑफ द लाइन, एंड यहाँ पे क्या होता है, टू डिफरेंस कलर्स. ओके. जो एरिया होता है उसको दिखाने के लिए वी यूज टू डिफरेंट कलर्स. नेक्स्ट इज स्कैटर चार्ट, टू डिस्प्ले एंड कंपेयर न्यूमेरिक वैल्यूज. ओके. टू डिस्प्ले एंड कंपेयर न्यूमेरिक वैल्यू, इट शोज द रिलेशनशिप एमंग द न्यूमेरिक वैल्यूज इन सेवरल डेटा सीरीज और प्लॉट टू ग्रुप ऑफ नंबर्स एज ए सीरीज ऑफ एक्स एंड वाई. दैट मीन्स हम लोग को जब भी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू में कंपेयर दिखाना है. ओके. कंपेयर टू डिस्प्ले द एंड कंपेयर न्यूमेरिक वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज मतलब डिजिट्स हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है. ओके. उसमें कंपेयर दिखाना है तब हम लोग एक्स वाई स्कैटर चार्ट यूज़ करते हैं. इट शोज द रिलेशनशिप एमंग द न्यूमेरिक वैल्यूज इन सेवरल डेटा सीरीज. ओके. And used to plot more than one data series and similar to line chart. This is also similar to line chart but differ in the way of data plotted along with the axis. Next is dog hunt chart, to compare parts of a whole across the all data series. That means हम लोग इससे क्या होता है कि टोटल ये सिमिलर पाई चार्ट की तरह है. पाई चार्ट में एक ही डेटा सीरीज दिखाया जाता है लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो पूरा है, पूरा जो डेटा डेटा है उसको कंपेयर किया जाता है. यूज टू प्लॉट वन एंड मोर डेटा. ओके. सब में एक से ज़्यादा डेटा दिखाया जाता है. कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड एज रिंग्स. ओके. रिंग मैंने बोला था कि जो है वो पाई चार्ट की तरह है, सर्कल है जो रिंग. कैटेगरी आर रिप्रेजेंट एज रिंग, ईच रिंग रिप्रेजेंट डेटा सीरीज. हियर यू कैन सी द इमेज, हियर यू कैन सी लास्ट इमेज इज ए डॉग हंट चार्ट. हियर यू कैन सी द रिंग. ओके. दे क्रिएटेड ए रिंग, ईच एंड एवरी डेटा सीरीज इज क्रिएटेड ए रिंग. एंड दिस इज द एरिया चार्ट, हियर यू कैन सी टू डिफरेंट कलर्स आर शोन हेयर. एंड दिस इज द एक्स वाई स्कैटर चार्ट, सो वी कैन इजिली कंपेयर द न्यूमेरिक वैल्यूज इन स्कैटर चार्ट. ओके. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्कैटर चार्ट. नेक्स्ट इज हियर यू कैन सी ए टेबल, टू बेटर अंडरस्टैंड यू कैन सी द टेबल. ओके. टेबल नेम इंग्लिश एंड हिंदी. ओके. मार्क्स हेयर इंग्लिश मार्क्स एंड हिंदी मार्क्स. सो नाउ कम्स टू द बार चार्ट. हेयर यू कैन सी the names is on the y axis. okay. the names in the y axis and the data is values, data or values is represent in x axis. okay. this is name are represent y axis and the data is represent x axis. now comes to the column chart, totally different from the bar chart. here you can see the name values in y axis, the values are in y axis 10 20 30 40. okay. values are y axis and the 1 2 3 4, these are the name. okay. these are the name is x axis. next to the line chart, same line chart is similar to the column chart. name are the y axis and values values is the y axis and name are the x axis. here it comes to the pie chart. okay. these are similar. next is same thing here. okay. so these are the charts of Excel, MS Excel 2016. okay. all of you need to read the book carefully to better understand and also see the examples from your book. okay. next is here some question answer of inside question answer on your following chapter. I hope that all of you already written and learned this question answer.
In my next video, I will discuss about the exercise question answer from this chapter. Okay, so I am ending my discussion here. In my next video, I will discuss the exercise question answer. There, I hope that all of you have read the book carefully. Okay, read the book carefully. Otherwise, you won't understand the question answer of this chapter. So, I am ending my discussion here. Okay, thank you. Goodbye.